फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल बैंकिंग तोड़ी पे आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 1 लाख इन्वेस्टमेंट स्टॉक पोर्टफोलियो, मतलब 1 लाख का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे और कितने टाइम के लिए रखना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स, हम इस चैनल पे बैंकिंग के अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम के लोन्स के बारे में डिस्कस करते हैं, पर अभी हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है इन्वेस्टमेंट का, ताकि लोन के साथ साथ आपको कुछ इन्वेस्टमेंट से रिटर्न भी मिलता रहे। फ्रेंड्स, पहले हमने इन्वेस्टमेंट पे एक और वीडियो बना के रखा है, वो देखना है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा चैनल के। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो क्राइटेरिया क्या रखने चाहिए या हमने यहाँ पे क्या क्राइटेरिया कंसिडर किए हैं? तो नंबर ऑफ़ स्टॉक्स कितने होने चाहिए? बहुत सारे व्यूअर्स का ये सवाल रहता है कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए। तो आइडियली अगर आप 1 लाख का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो 10 से 15 स्टॉक आप ले सकते हैं। उससे ज़्यादा करेंगे तो ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, तो जब भी कुछ स्टॉक बढ़ेंगे भी तो आपका ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है इतना ग्रो नहीं कर पाएगा। तो 10 से 15 रखेंगे तो वो आइडियल है, उससे कम रखेंगे तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, तो कुछ शेयर ज़्यादा अगर गिर जाते हैं तो आपका पोर्टफोलियो भी जल्दी से नीचे गिर सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम क्या ध्यान में रखेंगे, किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए? तो फ्रेंड्स, सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, जैसे बैंक्स, फार्मा, FMCG, IT, केमिकल, ताकि कोई एक सेक्टर आपका डाउन भी हो जाए तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे इतना असर नहीं पड़ेगा। मार्केट कैप वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन रहना ज़रूरी है, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ऐसे अलग अलग कैपिटल की कंपनियाँ होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। फ्रेंड्स, हमने पहला वीडियो बनाया था उसमें भी आपको बताया था कि मैक्सिमम आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप कंपनियां होनी चाहिए, ताकि उसमें बहुत सारा वेरिएशन नहीं आता है और मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है और आपके पोर्टफोलियो को स्टेडी ग्रोथ मिलता रहेगा। और हमने ये स्टॉक पोर्टफोलियो बनाते समय कुछ एवरग्रीन स्टॉक, मोनोपोली स्टॉक या फ्यूचरिस्टिक स्टॉक का ध्यान रखा गया है। और फ्रेंड्स, पोर्टफोलियो बनाते समय हमको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है। जब भी कोई स्टॉक आपका डाउन जाता है, कोई रीज़न से 10-20% का करेक्शन लेता है, तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ा देना चाहिए ताकि आपका एवरेज अच्छा बन जाए। और आपके पोर्टफोलियो का रेगुलर फॉलोअप भी करना है, ताकि आपकी पोर्टफोलियो में कोई यस बैंक या जेट एयरवेज जैसा स्टॉक ना हो। मतलब आपका कोई समझो एक स्टॉक 50% गिर गया और उसके और भी डाउन जाने के चांसेस है, तो आप ऐसे स्टॉक में से एग्जिट हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप पोर्टफोलियो बनाते समय ये 4 चीज़ों का हमेशा ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम यहाँ पर कौन कौन से स्टॉक ले रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। फ्रेंड्स, आज का डेट है 21 नवंबर 2021 और ये हमने 20 नवंबर 2021 की प्राइस के हिसाब से ये पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टॉक कंसीडर कर रहे हैं, रिलायंस, जो कि मल्टीपल फील्ड में काम कर रहा है और इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी है। दूसरा स्टॉक जो हम ले रहे हैं, HDFC बैंक, जो कि बैंकिंग सेक्टर का लार्जेस्ट बैंक है। तीसरा स्टॉक है हमारा डिवीस लैब, जो कि फार्मा कंपनी का दिग्गज है। चौथा स्टॉक है हमारा HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि FMCG में काफ़ी स्टेडी ग्रोथ देगा आपको। पांचवा स्टॉक है हमारा एशियन पेंट, जो कि पेंट इंडस्ट्री में लीजेंड है और कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। छठा स्टॉक है हमारा डीमार्ट, जो कि रिटेल सेक्टर में है और काफ़ी अच्छा ग्रो कर चुका है, फिर भी अभी काफ़ी ग्रोथ होने के चांसेस है उसमें। सातवां स्टॉक है हमारा टाटा एलेक्सी, जो IT कंपनी है और ऑटोमेशन, और अभी जो ई व्हीकल का चल रहा है टाटा ग्रुप का, तो उसमें काफ़ी बड़ा रोल रहेगा उसका। काफ़ी ग्रो कर चुका है स्टॉक, फिर भी अभी काफ़ी ग्रो होने के चांसेस है उसमें। आठवां स्टॉक है हमारा टाटा पावर, तो टाटा पावर अभी ई व्हीकल के स्कोप के हिसाब से ये पावर सेक्टर में भी काफ़ी ग्रो होने के चांसेस है। टाटा पावर भी काफ़ी बढ़ चुका है अभी रिसेंट टाइम में, फिर भी ये आगे और भी बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, ये जो पहले 8 स्टॉक है हम लार्ज कैप से ले रहे हैं, ताकि
स्टेडी ग्रोथ आपको मिलता रहे। और बाकी के चार स्टॉक जो है, जो हम मिड या स्मॉल कैप से ले रहे हैं, जिसमें कि ग्रोथ तो काफ़ी रहेगा पर रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो उसमें सिर्फ चार स्टॉक ले रहे हैं और लार्ज कैप से हम लोग 8 स्टॉक ले रहे हैं। तो हमारा नोवा स्टॉक है एफल इंडिया, जो कि एक एडवर्टाइजिंग के रिगार्डिंग है, पर उसमें काफ़ी स्कोप है। 10वां स्टॉक है IEX, जो कि एक मोनोपोली स्टॉक है, कैम्स जो भी एक मोनोपोली स्टॉक है। और 12वां स्टॉक है हमारा दीपक नाइट्राइज, जो कि एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, पर उसमें काफ़ी ग्रोथ बाकी है अभी। फ्रेंड्स, हमने 21 नवंबर 2021 की तारीख का जो भी उनका प्राइस है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ स्टॉक्स को मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट बन रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़ बन रहा है। तो फ्रेंड, इस तरह से आप एक 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उसमें से कोई स्टॉक करेक्ट होता है, 5% 10% डाउन जाता है, तो उसमें एक दो क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी में आप एज अ स्टॉक SIP भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हर मंथली आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसी में आप एक दो शेयर लेके जा सकते हैं हर महीने। तो ये स्टॉक जो है, स्टॉक पोर्टफोलियो जो है, आपको स्टेडी ग्रोथ देता रहेगा। फ्रेंड्स, ये डिस्क्लेमर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।